हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो जी 14 फ़ोन है, तो मोटो जी 14 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हैंगिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर आपका फ़ोन है हैंग हो रहा है ज़्यादा ही, या फिर आपका फ़ोन लैग कर रहा है, या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप कैसे अपने फ़ोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं मोटो जी 14 फ़ोन में, और फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे मोटो जी 14 फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम्स को मोटो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन सब बन जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं एंड आप कैसे फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, स्लाइड करते हुए आपको जाना है अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पे जाकर इस पे चले जाना, इस पे टैप करना है 3 से 4 बार। डेवलपर ऑप्शन से आपके सेटिंग्स पे ओपन हो जाएगा। फिर सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शन पे चले जाना है। जब आप डेवलपर ऑप्शन पे जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्लाइड करते हुए आपको जाना है एनिमेशन स्केल्स पे। विंडो स्केल्स को ऑफ करना है, ट्रांजिस्टर स्केल भी ऑफ कर देना है और एनिमेटर स्केल भी ऑफ कर देना है। फिर आपको स्लाइड करते हुए चले जाना है प्रोसेस लिमिट। तो जो प्रोसेस लिमिट होती है फ़ोन की, उसको भी नो बैकग्राउंड पे कर देना है, जिससे आपकी फ़ोन हैंगिंग की जो प्रॉब्लम्स होगी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे नो बैकग्राउंड पे करके, और आपका जो फ़ोन है बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं मोटो जी 14 फ़ोन में, और हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक